यूट्यूबर अरमान मलिक पर लगे नाबालिग लड़की के रेप के इल्जाम पर अब वड़ा पाव गर्ल ने भी अपनी भड़ास निकाली है और साथ ही लोगों ने भी अरमान को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। बिग बॉस के घर से बाहर निकल के वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित ने अरमान पर लगे आरोप पर एक बड़ा रिएक्शन दिया है। रियलिटी शो बिग बॉस OTT3 के कंटेस्टेंट अरमान मलिक इन दोनों काफी चर्चा में है। शो में अरमान ने अपने दो बीवियों के साथ एंट्री ली थी, उसके बाद वो अपनी दो शादी को लेकर काफी ट्रोल हुए थे। हाल ही में शो के अंदर अरमान ने को कंटेस्टेंट विशाल पांडे को जोर का थप्पड़ जड़ दिया था, जिसकी वजह से भी अरमान को काफी ट्रोल किया गया था। ये मामला अभी शांत हुआ ही था कि उसके बाद यूट्यूबर अरमान मलिक पर नाबालिग लड़की के रेप के FIR कॉपी इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसके बारे में अरमान शो में भी कहते हुए नजर आए कि उन पर एक केस दर्ज है और वो खुलेआम घूम रहे हैं। और जब वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को इस बात का पता चला तो वो अरमान पर बरस पड़ी। उन्होंने अरमान को लेकर कहा कि अरमान को जीने का कोई हक ही नहीं है। बिग बॉस OTT3 के घर के अंदर इस बात की भी चर्चा हो रही है, वहीं अरमान इस बात को छुपा भी रहे हैं। बता दें कि चंद्रिका दीक्षित ने अरमान पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि अगर ये बात सही है तो उन्हें जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की एक बेटी है। इसके साथ ही चंद्रिका खुद को काफी सच्चा मानती हैं। उन्हें जो गलत लगता है उनके साथ वो कभी नहीं बैठती। सोशल मीडिया पर FIR की कॉपी सामने आई है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि अरमान पर रेप की FIR दर्ज है, और इस FIR में पीड़िता का बयान और पुलिस की लगाई धारा भी साफ नजर आ रही है। इसके बाद अब लोग भी ये कह रहे हैं कि अरमान बीमार है और उसका इलाज कराना जरूरी है।